हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। एक्चुअली बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज जो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ, बहुत ही अच्छी और सटीक इन्फॉर्मेशन है। आप लोगों ने देखा होगा, किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रिक उपकरण में या किसी भी शॉप में आप यदि जाते हैं, कोई अच्छी बड़ी शॉप है, इवन कि आजकल यदि आप अच्छी यदि बड़ी पान की दुकान में भी जाओगे, तो आप एक चीज वहां पे लिखी हुई देखोगे कि NISO 9001 2008 या 2015 को या कि अप्रूव्ड लिखा होता है। तो आखिर दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है? क्या आप लोगों को पता है कि वो अपनी शॉप में ऐसी चीजें या किसी भी इलेक्ट्रिक उपकरण में या किसी भी उपकरण में ये आखिर जो लाइन होती है ये क्यों लिखी जाती है और इसका मीनिंग क्या है? यदि आप लोग जानते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि नहीं जानते हैं तो मैं आज आप लोगों को बता देता हूं कि आखिर इसका मीनिंग क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी कोई यदि बड़ी कंपनी खोलता है या कोई बड़ी शॉप खोलता है, तो उसमें क्या होता है कि आज जैसे कि आजकल हर एक आदमी की रिक्वायरमेंट है कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। बिना यदि आप किसी प्रोडक्ट आप खरीदते हो उसमें क्वालिटी होगी तो आप नहीं लोगे। कोई आप कपड़ा खरीदोगे उसमें यदि प्रोडक्ट क्वालिटी नहीं होगी तो आप नहीं लोगे। यदि आप कोई उपकरण खरीदोगे उसमें यदि क्वालिटी रिलेटेड पैरामीटर सही नहीं होगी तो आप नहीं लोगे। यदि आप कोई खाना खाने जाते हैं उसमें यदि क्वालिटी नहीं होगी तो आप नहीं खाएंगे। तो आखिर आपको कैसे इंश्योर होगा कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है ये इसमें क्वालिटी है और इसने जो बनाया है ये क्वालिटी प्रोडक्ट है? तो दोस्तों, इस चीज को इंश्योर करने के लिए हर एक कंपनियां जो होती हैं या छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर जो होते हैं या छोटी छोटी शॉप जो होती हैं, वो क्या करती हैं, ये एक सर्टिफिकेट लेती हैं जो कि नॉर्मल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का सर्टिफिकेट होता है। और कौन होता है हमारे इंडिया में? ISO 9001 2015, ये इसका लेटेस्ट वर्जन है 2015। इससे पहले जो हुआ करता था 2008 हुआ करता था। तो दोस्तों, यदि कोई भी शॉप कोई भी कंपनी यदि ISO 9001 2015 या 2008 अप्रूव्ड है, इसका मीनिंग ये है कि उस कंपनी में क्वालिटी रिलेटेड जो भी वो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितने क्वालिटी से रिलेटेड पैरामीटर हैं वो सारे फुलफिल कर रही है। तो क्या होता है, वो कस्टमर को एक फेथ दिलाता है कि हाँ, ये कंपनी से हम प्रोडक्ट कोई भी बाई कर सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो हमें फेथ होता है, हमें एक एश्योरेंस मिल जाता है कि हाँ, ये जो प्रोडक्ट है इसमें सारे क्वालिटी के जो मानक हैं वो फुलफिल किए गए हैं, तो हमें अंदर से एक संतुष्टि की फील होता है, तो हम वो प्रोडक्ट को बाई कर लेते हैं। जब पान की दुकान में जाते हैं, यदि ISO अप्रूव्ड तो लगता है चलो यार क्वालिटी प्रोडक्ट देता होगा, सही, यहां से पान खा लेते हैं, इस शॉप से शॉपिंग कर लेते हैं, इस प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। दोस्तों, यदि किसी प्रोडक्ट में यदि आज से आपको लिखा मिलता है कि NISO 9001 2008 या 2015 अप्रूव्ड है, तो आपको सिंपल समझ जाना है कि इस कंपनी ने ए स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट बाई कर रखा है, अप्रूव कर रखा है, ISO से सर्टिफाइड है, मतलब कि ये जो प्रोडक्ट बना रही है इसने सारे क्वालिटी रिलेटेड जो पैरामीटर उन पे ध्यान दिया है और ये उसको बनाने में सक्षम है, तो आप उस प्रोडक्ट को आसानी से बाई कर सकते हैं, और या कि कोई शॉप में आप जाकर शॉपिंग कर सकते हैं, कोई चीज आप परचेज कर सकते हैं, खा सकते हैं, यदि कोई ISO अप्रूव्ड है। ये बेसिकली ISO प्रोडक्ट पैरामीटर को लेके होता है, प्रोडक्ट क्वालिटी को लेके किसी भी मैन्युफैक्चरर से। दोस्तों, आज आपको पता चल गया होगा अब कि यदि कोई भी कंपनी कोई भी प्रोडक्ट ISO 9001 2008 या 2015 अप्रूव्ड है, इसका सिंपल मतलब है कि ये क्वालिटी के जितने भी मानक हैं उन पे खरा है और उनको ध्यान देके बनाया गया है, और वो प्रोडक्ट सही है, उसको आप बाई कर सकते हो, ले सकते हो। तो दोस्तों, यदि हमारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे आप वीडियो को लाइक करें, और हाँ, वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें, ताकि हर एक बंदे तक ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो इसको सब्सक्राइब करें, और हाँ, अभी तक आप लोगों ने जो प्यार दिया इस चैनल को वो सराहनीय है,
आशा करता हूं कि आप ऐसे ही आपका प्यार बना रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।